एसएसबी के जवान से जहरकुरानी कर लूट करने वाले शातिर लुटेरों को खजनी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अंकित निषाद पुत्र हनुमान निवासी मोहरबाने टोला शंभूपुरा हाल मकाम पता डिहकोल थाना अहिरौरा जनपद आजमगढ़ तथा विनोद सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी शंभूपुरा थाना अहिरौरा जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने लूट के सोने की चेन सामान से भरा 3 बैग एक मोबाइल व नशे की 160 टैबलेट व घटना में प्रयुक्त मारुति 800 कार बरामद की। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ खजनी रचना मिश्रा व एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। जो ये लोग कर रहे हैं पीछे से मुलजिम नहीं आया है। इधर कौन सा है बड़ा मुलजिम है नहीं सर ये वाला कार इन्होंने कबाड़ी से खरीद ली है। मनीष राय नाम का एक व्यक्ति एसएसबी में जवान था, वो अपने घर जा रहा था छुट्टी लेके, तो 900 चौराहे के पास इन लोगों ने जो है उसको लिफ्ट दे के कि हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं मऊ जा रहे हैं, उसको जो है अपने साथ बैठाया और चाय में जो है नशीली दवा खिला दी। पुलिस को जो है वो खजनी पुलिस को बदावा अवस्था में मिला था। अगले दिन उसने मुकदमा दर्ज कराया था। इस घटना की छानबीन करते हुए खजनी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे वादी का पीड़ित का सारा सामान रिकवर हुआ है, उसकी सोने की चेन, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका मोबाइल और साथ ही साथ जो है जो गाड़ी इन लोगों ने प्रयुक्त की थी जहर खुराने में और मुलजिम को लूटने में मारुति 800 वो भी जो है बरामद हुई है। नेचुरली ये जो है जहर खुराने का ये है लोगों को जो है लिफ्ट देने के नाम पर नशीली दवा खिला के उनके सारा सामान जो है लूट लेते थे। ये इनकी जो है मोडस ऑपरेंडी है। ये दोनों जो है अभियुक्त जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में एसएसपी आजमगढ़ को जो है पत्र लिखा जा रहा है। यदि और मामले में इनकी संलिप्तता हो तो अभी खुलासे होंगे। खजनी पुलिस अपने जो है जो पुलिस का काम है उस तरह से पहुंची सुरक्षित प्रत्यर्थी करते हुए